नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू समता ऑडियो। हमारा वीडियोस में आप लोग मैक्सिमम टाइम ये कमेंट करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट देते हैं बहुत कुछ चीज़ लेके। लेकिन आज जिस चीज़ के मतलब जिस चीज़ के बारे में हमको मैक्सिमम क्वेरीज मिलते हैं, तो मैंने वादा किया था कि आपको इस क्वेरीज का कुछ सलाह दूंगा जहाँ तक मेरे को मालूम है। तो ProTools में अगर वॉइस को मिक्सिंग करना है, टॉपिक्स ऐसा था कि ProTools में अगर वॉइस को मिक्सिंग करना है तो किस तरह से मिक्सिंग करें। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा एक प्रोजेक्ट तो है, यहाँ पे ये ट्रैक्स को आपको मिक्स करना है। लेकिन सब के सब ट्रैक्स ये यहाँ पे 0 dB में है, मतलब नॉर्मल जो नेचुरल बाय डिफ़ॉल्ट में जो रहता है। और इसका साउंड इस तरह से आता है, बहुत मतलब तेज़ से आएगा। और उसका पूरा ये लाल मतलब लाल लाइट जिसका बोलता है पिक लेवल लाल हो गया। देखिए तो ये लाल रेड कलर का ये पिक लेवल आना नहीं चाहिए, इसके मतलब आपका साउंड डिस्टर्ब हो रहा है। तो अभी हम जो करेंगे, प्रोजेक्ट को देख लीजिए एक बार। आप सभी को पता है ProTools के कमांड के बारे में, मैंने पहले भी बताया था। यहाँ पे देखिए मैजिक टूल मैं इस्तेमाल करता हूँ, और ये जो वोकल ट्रैक है, ये वोकल ट्रैक को यहाँ से लेके यहाँ तक, नहीं तो मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमने थोड़ा सा सेट किया, क्योंकि वोकल को आपको टोनिंग देना है, इक्यूज करना है। तो चलिए सुनते हैं इसको पहले। सारी यादों में बस तू ही मेरा है, जिधर भी देखूं तू और तेरा चेहरा है। सारी यादों में बस। तो ये जो आपका सोलो वोकल था, ये वोकल आपका फेडल लेवल कहाँ पे है? 0 में है। जब भी आपका कोई प्रोजेक्ट में आप मिक्सिंग करने जाओगे, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि इसका लेवल हमेशा 0 dB में मत रखिए, क्योंकि सबका लेवल जब चालू आप खोल लोगे, सबका लेवल जब एक साथ मिलके मास्टर में आएगा, इस मास्टर में आएगा, तो तब क्या होगा, पूरा लेवल आपको 0 dB तक पहुँच जाएगा। 0 dB के मतलब बियॉन्ड द 0 dB हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, मिक्सिंग बिल्कुल घटिया लगेंगे। तो अच्छा है कि मिक्सिंग करते वक्त आप पहले उसको टोनिंग करें, और बाद में टोनिंग करने के बाद इक्यूज एंड कंप्रेशन देकर टोनिंग करने के बाद उसमें रिवर्ब और डिले डालिए। रिवर्ब डिले डालने के बाद आप उसको फिर बैलेंस कीजिए ट्रैक के साथ। ये हमेशा याद रखिए, कभी भी रिवर्ब डिले या इक्यूज एंड कंप्रेशर ये दोनों इस्तेमाल करने से पहले आप उसको बैलेंस मत कीजिए, क्योंकि जब भी आप इसमें इक्यूज डालेंगे, यहाँ पर इक्यूज डालेंगे, तो इसका क्या होगा, मैक्सिमम पावर आउटपुट होने के बाद मैक्सिमम पावर जब इसमें आ जाएगा तो उसका लेवल बहुत बढ़ जाएगा आगे, उसका लेवल बढ़ जाएगा और आपका बैलेंस ख़राब हो जाएगा। तो पहले मैं आपको सलाह देता हूँ, पहले आप इसको टोनिंग कीजिए, फिर रिवर्ब डिले जितना कुछ डालना है डाल दीजिए, इसके बाद उसको बैलेंस कीजिए बाकी ट्रैक के साथ। तो चलिए आज हम वोकल को लेकर बात करते हैं, तो हम सिर्फ वोकल को ही देखेंगे आज। तो ये है आपका वोकल ट्रैक। सारी यादों में बस तू ही मेरा है। देखिए इसका पिकअप लेवल, इसका पिक लेवल जो है -3.7 dB तक चेहरा चल रहा है, -13.5 dB तक चल रहा है इसका पिक लेवल। सारी यादों में -1.3 हो गया, तू ही मेरा जैसे भी हो ना, जैसे भी हो, पहले आप इसको यहाँ पे इक्यूज डालिए। फर्स्ट जो इंसर्ट बॉक्स है यहाँ पे देखिए, इंसर्ट में आपको 5 बॉक्स मिलेंगे यहाँ पे। तो पहला बॉक्स में आपको इंसर्ट में इक्यू देना है, इक्यू में 3.7 इक्यू आपको लेना होगा। आपके पास अगर वेब्स का प्लगइन्स हो तो बहुत सारे इक्यूज आपको मिलेंगे। ये मानते हुए चलता हूँ कि आपके पास ProTools का एक प्लगइन है, तो आपने इक्यूज लिया 3.7 जो ProTools से मिलता है आपको, 3.7 इक्यूज आपने ले लिया। और उसके साथ आपको और एक चीज़ लेना पड़ेगा जो है कंप्रेसर। यहाँ पर एक कंप्रेसर डालिए, डायनेमिक्स में आपको मिल जाएगा कंप्रेसर। ये देखिए डायनेमिक 3 कंप्रेसर लिमिटर, ओके। ये चैनल जैसे कि मोनो चैनल था, इसलिए आपको मोनो कंप्रेसर मिला। दो जो प्लगइन आपको मिला है, अभी ये दो जो प्लगइन आपको मिला है, इसका ये रेड बटन आप कर दीजिए। आप देखिए कैसे एक्सेल होता है, जैसे कि इसका रेड बटन बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है। जब भी मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये गायब। इसको क्लिक करता हूँ तो ये आता है। दूसरी बात, जब ये इसको मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ये तो रेड बटन नहीं था। जब भी मैं इसको क्लिक करता हूँ ये गायब हो जाता है, दूसरे को क्लिक करता हूँ ये आ जाता है।
आप इस रेड बटन को बंद करके रखें ताकि आपको दोनों प्लगइन्स सामना सामने देखने को मिले। तो चलिए पहले इक्यूज़ के बारे में करते हैं, क्योंकि पहले जो चेन में जो था वो 3.71 इक्यूज़ था, तो 3.71 इक्यूज़ हम इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे कुछ प्रीसेट दे गए हैं, आप प्रीसेट देख सकते हैं, इसमें वोकल प्रीसेट भी है कुछ। तो आपने वोकल क्लीनअप या वोकल ऐसा कुछ सॉलिडिफाई फीमेल वॉक्स और मेल वॉक्स कुछ ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो चलिए स्मूथ वोकल लेते हैं, उसमें क्या होगा देखिए, एक प्रीसेट पहले से ही यहाँ पे सेट हो रखा है, इसको आप अपना मर्जी से चेंज कीजिए, नहीं तो एक काम कीजिए इसको डिफ़ॉल्ट कर दीजिए। जो प्लगइन्स आपको मिलेगा उसमें कुछ प्रीसेट रहता है, तो मान लीजिए कि इसमें आपका प्रीसेट यूज़ नहीं करना है, तब आप क्या करोगे, उसके बाद आपको 3.71 जैसे कि आपने इक्यूज़ ले लिया, एक प्लगइन ले लिया, इस प्लगइन्स को आप इस्तेमाल कीजिए। तो ये जो नीचे वाला जो कंप्रेसर था इसको बाईपास कर दीजिए कंप्रेसर को, और इसके ऊपर काम कीजिए। सारे यादों में यहाँ पे हम लोग क्या किया, 7 बैंड नहीं है, यहाँ पर 3.71 इक्यूज़ लिया, जैसे कि यहाँ पे हर 3 पैरामीटर्स और 7 बैंड के हिसाब से है, जैसे कि ये था एक बैंड, ये था एक बैंड, ये और एक बैंड है, ऐसे करके 5 बैंड यहाँ पे हैं, प्लस हाई पास फिल्टर और लो पास फिल्टर, ये दोनों बैंड यहाँ पे हैं। इसको ऑन कर देंगे, अभी लो पास फिल्टर को ऑन किया और इसके बाद हाई पास फिल्टर को ऑन कर रहे हैं, तो आपको मिल गया सब कुछ, कुल मिला के कितने मिला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे 7 बैंड यूज़ आपको मिल गया है। अभी आपको जो करना है, अभी जो लो पास फिल्टर है इसको आप 20 हर्ट्ज़ की जगह में ट्राई कीजिए, 30 हर्ट्ज़ या 35 हर्ट्ज़ के हिसाब से आप इसको नॉच करें, और इसका जो स्लोप या नॉच ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ आपको फिगर लाना पड़ेगा जिसमें आपको ये शेप मिलेंगे। देखिए साउंड थोड़ा सा चेंज होता है, इसको मैं तैयार कर रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए एक बार इसको। सारे यादों में बस तू ही मेरा है, जिधर भी देखूं तू और तेरा चेहरा है। इसमें क्या हुआ, जो उसका जो मैक्सिमम लो एंड था, लो एंड लेकिन कट हो गया इसमें, ठीक है। अभी आपको इसका लो फ्रिक्वेंसी जो है इसको लेकर काम करना है। लो फ्रिक्वेंसी बोला तो ये वाला ए लेफ्ट, देखिए लो फ्रिक्वेंसी। अभी लो फ्रिक्वेंसी जो है, पहले आपको इसका क्यू जो है 1, इसको क्यू को आप देखते रहिए और थोड़ा सा उसी हिसाब से आप उसको बनाते रहिए, देखिए। सारे यादों में बस तू ही मेरा है, मान लीजिए 5.3 या 5.2 डीबी आप इसने बूस्ट किया है, 5.1 डीबी बूस्ट किया है चेहरा। इसका जो क्यू है, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी बैंड यहाँ पे चल रहा है, किस कितना एक बैंड किस में चल रहा है, 100 हर्ट्ज़, ये देखिए 100 हर्ट्ज़ इसमें चल रहा है। आप चाहे इसको थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं, जैसे कि क्यू के जरिए कर सकते हैं, थोड़ा सा कम कर सकते हैं या थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल इसको 100 हर्ट्ज़ के हिसाब से रखेंगे ताकि लो फ्रिक्वेंसी 100 हर्ट्ज़ में भी रहता है। और इसको आप थोड़ा सा उठा के देखिए गेन को, 5.7। सारे यादों में बस तू ही मेरा, अगर वॉइस में लोज कम है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, अगर लोज ज़्यादा है तो इसको संभाल के यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, लेकिन अभी जो कैरेक्टर हमको मिला है इस कैरेक्टर के हिसाब से हमको थोड़ा सा लो देना पड़ रहा है इसमें। सारे यादों में बस तू ही मेरा, मान लीजिए कि ठीक है, इसके बाद लो मिड, क्योंकि ये मिड था, ये लो मिड, ये है मिड फ्रिक्वेंसी बैंड और ये है हाई मिड फ्रिक्वेंसी बैंड। अभी लो मिड जो है इसका, लो मिड में देखिए ये वाला लो मिड फ्रिक्वेंसी, इसको आप थोड़ा सा 200 हर्ट्ज़ में है, इसको थोड़ा सा खा जाइए आप, माइनस कर दीजिए, इसमें क्या होगा, लो मिड का जो बासिंग साउंड है, वूविंग साउंड है, वो थोड़ा सा गायब हो जाएगा। सारे और इसका जो क्यू है इसको थोड़ा सा टाइट कर दीजिए, क्यू को देखिए, क्यू टाइट करने से क्या होता है, शेपिंग ज़्यादा टाइट हो जाता है, इसको मान लीजिए ऐसा करते हैं और देखिए चेंज क्या होता है इसमें। सारे यादों में बस तू ही मेरा है जिधर, इसको मैंने लगभग -6.7 और 7 डीबी तक रखा है, और क्यू जो पॉइंट है 200 हर्ट्ज़ था, इसको और भी थोड़ा टाइट कर रहा हूँ लेफ्ट की तरफ, जैसे कि 1.64 या 1.63 ऐसा कुछ रहेगा। तो सुनिए, तो सारे यादों में बस तू ही मेरा है, अभी इसको अगर ठीक ठाक मानते हैं, मान के चलते हैं या ठीक ठाक है, तो उसके बाद चलते हैं मिड फ्रिक्वेंसी की तरफ। आप मिड फ्रिक्वेंसी को थोड़ा सा जैसे कि 1 डीबी या 2 डीबी आप बूस्ट कर सकते हैं, बूस्ट करके देख सकते हैं इसमें टोन क्या आता है।
देखिए सारी यादों में बस तू ही मेरा, जैसे कि टोनल क्वालिटी, आप जब भी इसको चेंज करेंगे ना, टोनल क्वालिटी चेंज होते जाएंगे। आपको पूरी तरह से समझना है कि आपका कान जो बोलेगा कि हाँ थोड़ा सा टोन चेंज हुआ है, इस टोन को थोड़ा सा आप मॉड्यूलेट कीजिए, और चाहें आप उसको आप क्यों भी बना सकते हैं। क्यों बनाने से क्या होगा, देखिए थोड़ा सा टाइट हो जाएगा वाला, ये जो स्लोप था, ये स्लोप थोड़ा टाइट हो जाएगा, लेकिन फिलहाल इसको Q1 में ही रखिए। Q1 में रखने से इसका स्लोपिंग अच्छा रहता है, और इसका हाई एंड जो है, मतलब हाई मिड जो है, हाई मिड फ्रीक्वेंसी, इसको भी आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं, थोड़ा सा कम कर दीजिए। सो 1-1.6 dB, देखिए चेंज क्या होता है। यादों में बस अब देखिए हम लोगों ने किस किस पर काम किया, हाई पास फिल्टर, उसके बाद लो फिल्टर, लो मिड फिल्टर और मिड फिल्टर, इसके साथ साथ हमने काम किया है हाई मिड फिल्टर पे। इसमें थोड़ा सा टोन को चेंज लग रहा है सुनने में, देखिए आप सारे ये था ओरिजिनल टोन। बस तू ही मेरा, जब भी इसको मैं बाईपास उठा लेता हूँ, देखूं तू और तेरा चेहरा, थोड़ा सा क्लैरिटी आया कि नहीं। तो ये और भी प्रैक्टिस करने से आपको बहुत अच्छा सा आप बहुत अच्छी टोन बना सकते हैं। इसके साथ हाई मिड तो हम लोगों ने अभी कर ही लिया है, इसके बाद हाई मिड फ्रीक्वेंसी नहीं, इसके बाद हाई फ्रीक्वेंसी जाएंगे। ये हाई फ्रीक्वेंसी जब आपको जाना है, उसमें आप थोड़ा सा बड़ा कर देखिए क्या होता है। सारी यादों ज़्यादा सिबलिंग साउंड आपको लगता है तो आप हाई थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, और इसका क्यू जो है, इस क्यू को आप मान लीजिए 2 नंबर 2 बिट पता रख सकते हैं, Q1 नहीं 2 कर सकते हैं आप। सारे यादों में बस तू ही मेरा है, जो क्यू है जिधर भी देखूं तू और तेरा चेहरा है, उसको अब रखिए। सारे यादों में बस तू ही मेरा है, जिधर भी देखूं तू और तेरा चेहरा है, अब तुझे 5.4 या 5 kHz, ठीक है। इसमें आप लू मैं चैन से, जो बेल है, बेल मत लीजिए, इसमें आप इसको थोड़ा सा कम ज्यादा करके देखिए टोन कैसा होता है। सारे यादों में बस तू ही मेरा, अभी ये हम जो सुन रहे हैं भी ये है प्रोसेस टोन। पहले क्या था, तेरा बाईपास कर रहा हूं है। सारी यादों में बस तू ही मेरा, तो इसका सिबलिंग थोड़ा सा बनाना चाहिए, जिधर भी देखूं तू और तेरा चेहरा है, अब तुझे देख कर 1.06 कीजिए, और इसके बाद लो पास फिल्टर, इसका भी आप नॉच लगाइए। जैसे कि नॉच लगाएंगे ना, डायरेक्ट यहाँ पे 20 kHz में वो गेट कर देगा उसको। आप चाहे इसको बढ़ा भी सकते हो और घड़ा भी सकते हो, लेकिन इसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा जो 20 kHz के ऊपर जो सब साउंड है, वो सब साउंड इसमें असर नहीं होगा। तो ये सारी यादों में बस तू आपको ऐसा टोन देगा है, जिधर चलिए मानते हैं कि ये टोन आपको, मतलब ये टोन आपका जो आपको जो डिमांड था, उसी डिमांड के हिसाब से ये टोन अगर ठीक है तो इसको ऐसे ही सुनते हैं। सारी यादों में बस तू ही मेरा है, और यह है बाईपास टोन। जिधर भी देखूं तू और तेरा, इसमें वो भी समझाता है, थोड़ा सा क्लियर साउंड है ये। सारी यादों में जैसे आपका ये इक्यू सेक्शन खत्म हो जाएगा, साथ आपको खत्म होने के बाद आपको आना पड़ेगा ये कंप्रेसिंग सेक्शन में। कंप्रेसिंग बाईपास अभी चालू रखा है, इसको बाईपास उठा दीजिए, और इसमें आप इस देखिए, इसमें आपको प्रीसेट मिलेगा वोकल कंप्रेसर। जैसे आप वोकल कंप्रेसर प्रीसेट इसमें डाल दोगे तो आपको क्या होगा, एक प्रीसेट मिल जाएगा यहाँ पे, ऑटोमेटिक सब कुछ सेटिंग हो जाएगा। लेकिन इसमें आप भरोसा मत कीजिए, जैसे कि मैं इसको गेन पूरा जीरो में कर दे रहा हूँ, और थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं लेके जा रहा हूँ। सारे यादों देखिए हमें जो रेड बॉल चल रहा है यहाँ पे, जो रेड बॉल जा रहा है बहुत ज़्यादा देर तक जा रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा जा रहा है, और साउंड कैसा, मतलब अजीब सा दबा हुआ लग रहा है। तो इसको थोड़ा सा खोलिए, साउंड को खोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो थ्रेशोल्ड है, ये थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा बढ़ाइए,
देखिए सारे यादों में बस तू ही ऐसा मेरा इतना भी मत बढ़ाइए ताकि ये पूरा लिमिटर कुछ काम ही नहीं करे, लेकिन आपको जैसा लगे यहाँ तक रख सकते हैं। और इसके साथ साथ इसका जो अटैक रेट है सारे यादों में 500 के आसपास रखिए, रिल जैसा है ठीक रहेगा। और यहाँ पे जो रेशियो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रेशियो है 1.8:1 इसको थोड़ा सा बढ़ाइए तो देखिए बढ़ाने के बाद कैसे लगता है सुनने को। सारे यादों में बस तू ही मेरा है, जिधर भी देखूं तू और तेरा चेहरा है। अब इसका जो गेन है, इसका गेन देखिए सारे तो कम लग रहा है, इनपुट इतना हो रहा है लेकिन आउटपुट इतना कम हो रहा है क्योंकि यहाँ 2.5:1 दिया है। तो इसको आप अगर टूट भी गेन देंगे, अब देखिए अब तुझे जहाँ पे वो चिल्ला के गाना गा रहा है, ये बैलेंस कर रहे हैं। ये जो कंप्रेसर और लिमिटर का जो काम है, ये काम बहुत ही मतलब अनोखी काम होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं जब भी हम लोग बात करते हैं नीची आवाज़ से तो हमारा लेवल आप जो डायनेमिक लेवल बहुत कम हो कम साइज का होता है, और जब चिल्ला के हम लोग बात करते हैं तो उसका डायनेमिक लेवल बहुत ज़्यादा होता है। आप एक बार देख लीजिए वेव फाइल को, जैसे कि वेव फाइल देखिए यहाँ पर, ये जो फाइल था मैं आपको यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कितना छोटा सा आपको वेव फाइल मिल रहा है ना। सारे यादों में बस तू ही मेरा है, और देखिए यहाँ पे आपका जो स्पेशल पॉइंट है देखूं तू और तेरा चेहरा रेड बटन दिखाई दे रहा है। लेकिन जब अब इसमें जाएंगे तब देखिए यहाँ पे जो डायनेमिक लेवल का जो आपको जो चित्र या जो वेव आपको सामने दिखाई दे रहा है, डायनेमिक लेवल का जो वेव आपको दिखाई दे रहा है देखिए कितना बड़ा है। ये इधर भी देखूं तू और तेरा चेहरा है अब तुझे देख कर, बहुत आगे जा रहा है रेड बॉल, इसका मतलब क्या है बहुत ज़्यादा डायनेमिक लेवल मिल रहा है। इसमें क्या होगा, इसमें आपको ज़्यादा पिक लेवल मिलेगा, लेकिन इतना ज़्यादा पिक लेवल भी हमको नहीं चाहिए। हमको जो लो लेवल का जो एम्बियंस है, लो लेवल का जो ऑडियो है, ये ऑडियो भी हमको उतना ही लेवल में चाहिए जितना लेवल में ये चिल्ला के गाना गा रहा है। मतलब ये बहुत स्क्रीमिंग साउंड जो है, तो इसको सीधी तरह से समझने के लिए मतलब एक लेवल टाइप, जैसे कि यहाँ पे एक लेवल टाइप का कुछ आपको वेव्स दिखाई दे रहा है, सेम लेवल टाइप का वेव्स भी यहाँ पे भी दिखाई देना चाहिए। मतलब यहाँ सेम टाइप का एक वेव लेंथ देगा वो, डायनेमिक रेंज देगा वो। तो चलिए आप देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया और प्लेबैक कीजिए। सारे यादों में बस तू ही मेरा है, जिधर भी देखूं तू और तेरा चेहरा है अब तुझे देख कर, चिल्ला के बोल रहा है लेकिन वो भी मास्टर में आपको इतना ही पिकअप दे रहा है, इतना जो पिक पॉइंट दे रहा है। सारे यादों में बस तू ही मेरा है, जिधर भी देखूं तू और तेरा चेहरा है अब तुझे देख कर। इसमें क्या होगा, इसमें आपको डायनामिक जो लेवल वोकल का डायनामिक लेवल आपको बराबर मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस मानते हैं कि ये आपका कंप्रेसिंग एंड रिक्यूज दोनों बराबर है, अगर मानते हुए चलते हैं तो हम अभी किसके लिए आगे बढ़ेंगे, इसमें रिवर्ब डालना है और डिले डालना है, तो इसको काट देते हैं। अभी आपको जो ऑक्स चैनल है, इस ऑक्स चैनल को नाम दीजिए, एक ऑक्स चैनल का नाम दीजिए रिवर्ब। तो RVV ऐसा कुछ लिखा रिवर्ब, और नेक्स्ट वाला जो है उसमें नाम दीजिए डिले, DLY ऐसा कुछ देते हैं। मान लीजिए कि हमको रिवर्ब डिले से काम चल जाएगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये था आपका मोनो ऑक्स फाइल, आप मोनो ऑक्स भी ले सकते हो और स्टीरियो ऑक्स भी ले सकते हो। जैसे कि ऑक्स 11 में हमने इसका इनपुट रखा डिले का, रिवर्ब का, और जो आपका जो डिले जो है इसका ऑक्स रखा मैंने 10, नहीं तो 12, कोई भी आप रख सकते हो, जो खाली है उस रख सकते हो। तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि 11 में आपका रिवर्ब है, 12 में आपका डिले रखा है हमने, और अभी जो रिवर्ब जो चैम्बर ने आपने बनाया है इसका इंसर्ट में कोई भी एक रिवर्ब आप डाल दीजिए। प्लगइन्स जाइए,
उसके बाद रिवर्ब जाइए, ए आर रिवर्ब नॉन लिनियर, ऐसा कुछ रिवर्ब आपको मिल जाएंगे। इसको आप रखिए आपके पास, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो आप नॉन लिनियर नहीं, आपको दूसरा कोई रिवर्ब आप भी चूज कर सकते हो, रिवर्ब और ए आर रिवर्ब, ऐसा कुछ रिवर्ब आप यूज़ कर सकते हो इसमें। लेकिन आपको प्रीसेट भी है, लेकिन प्रीसेट उतना यूज़ नहीं करना पड़ेगा जिस, क्योंकि इसका रिवर्ब टाइम आप खुद ब खुद सेट कर सकते हो। इसका 1.9 सेकंड जो रिवर्ब टाइम है, इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, जैसे कि 3 और 4 ऐसा कुछ बढ़ा लीजिए, हाँ 4 सेकंड्स। इसका जो प्री डिले जो है बटन, उसको आप 7 मिलीसेकंड तक रख सकते हो, लेकिन ये कोई प्रीसेट नहीं है, क्योंकि आपका जो डिमांड है उसी के हिसाब से आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे देखिए मैंने कितना रखा है, 5 के आसपास ऐसा कुछ, 11 मिलीसेकंड या 6 मिलीसेकंड ऐसा कुछ, ठीक है 6 या 10 ही रखते हैं। इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, फिर भी आप माउस से कंट्रोल कीजिएगा। 11 मिलीसेकंड अपने प्री डिले रखा है, और मिक्स लेवल 100% रखिए। ये मिक्स का एक्चुअली क्या है, जो ड्राई साउंड है और जो वेटेड साउंड है, मतलब इफेक्टेड साउंड है, दोनों का मिश्रण ये मिक्स लेवल बोलते हैं। तो इसको 100% रखिएगा, और रूम साइज 100% रखिए, बाकी तो आप छानबीन करके देख सकते हैं, नहीं तो हमारा जो अगला वीडियोज जो है उसमें आप देख सकते हैं उसको, हाउ टू यूज़ एंड व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ द ऑल द बटन्स ऑफ रिवर्ब चैम्बर्स, ठीक है। तो ये आपका रिवर्ब हो गया, इसके बाद ये था आपका डीलर चैम्बर, इसमें भी आपको डीलर लगाना है, प्लगइन्स जैसे जाइए डीले, और या डायनेमिक डीले आप यूज़ कीजिए। तो देखिए या डायनेमिक डीले आपको मिल जाएगा, इसमें आप मैं जो फीडबैक मोड जो है, ये फीडबैक मोड को आप स्टीरियो यूज़ कर सकते हो, और आपका जो सिंक पॉइंट अगर क्लिक में है तो सिंक दबा के रखिए, नहीं तो इसको ऑफ कर दीजिए। अभी 556 ऐसा कुछ 500 मिलीसेकंड के आसपास कुछ सिंक इसका डिले इफेक्ट लगा हुआ है यहाँ पे। फीडबैक लेवल 50% रखिए, लेकिन इसको आप एडजस्ट कर सकते हो बाद में आपका चॉइस के हिसाब से। हमको अभी दिखाना है हाउ टू अप्लाई द रिवर्ब एंड डिले। तो यहाँ पे इसके बाद जब डिले आप लगा दिया, तो ये दोनों को ऑब्वियसली सोलो डिफीट कर दीजिए, ये दोनों बटन को, ये पहले से सोलो डिफीट कर रखा है मैंने, लेकिन जब आप ऑक्स ट्रैक लोगे तो आपको ऐसा ही दिखाई देगा ये। तो उसमें आपको कंट्रोल करके क्लिक करना पड़ेगा, इसमें भी कंट्रोल दबा के क्लिक दबाइए तो सोलो डिफीट हो जाएगा। इसका मतलब जब आप इसको सोलो करोगे तो ये सोलो नहीं होगा, इसमें जो रिवर्ब आप डालोगे ऑटोमेटिक इसमें से भी प्लेबैक होते जाएंगे। ये इस चीज़ को लेकर मैंने पहले भी दिखाया था आपको, तो मैं सोच लेता हूँ कि आपको ये मालूम है। तो चलिए अभी इसमें रोबा जो वोकल जो ट्रैक है इसमें हम पहले रिवर्ब डालेंगे। तो जो इस जो सेंट है, सेंट जो कमरा है, इसमें सेंट रूम में जाके आप 10 नंबर पे लिए थे, यहाँ देखिए यहाँ पे 11 नंबर पे लिए थे रिवर्ब, तो 11 नंबर आप रिवर्ब ले लीजिए। जैसे आप 11 नंबर रिवर्ब लेंगे, एक ऐसा कुछ फेडर आप सामने आएगा, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो अब सिर्फ रिवर्ब के लिए, ठीक है चलते हैं। सारी यादों में बस तू ही मेरा है, जिधर भी देखूं तू और तेरा चेहरा है, अब तुझे देख कर। एक चीज शायद आपने गौर किया, जब भी मैं इसको इक्यू एंड कमर्शियल लगाया और इसमें बास लगा दिया रिवर्ब का, तब क्या हो रहा है, तब इसका देखिए पीक लेवल पहले कैसा था और अभी पीक लेवल यहाँ तक -2.8 dB तक पहुँच गया। लेकिन ऐसा नहीं रखना है मुझे, लेकिन हम अभी जो कर रहे हैं इसको सिर्फ चेक करने के लिए हम इसको 0 dB में रखा है फेडर को, और इसमें हम हमारा जो जो वोकल ट्रैक है, वोकल ट्रैक में जितना रिवर्ब चाहिए उतना रिवर्ब हम रखेंगे, और उसी को टेस्ट करने के लिए हम उसको नॉर्मली सुनने के लिए इसको 0 dB लेवल में रखा है। तो सारी यादों में बस तू ही मेरा है, जिधर भी देखूं तू और। मान लीजिए कि ये रिवर्ब आपको आपके लिए ठीक लग रहा है, अभी आ जाइए कहाँ पे, डिले पे, पास 12 नंबर पे डिले था, ये देखिए 12 नंबर पे डिले था और पास में अभी डिले का पैन आ गया यहाँ पे, इसको भी आप थोड़ा सा प्लेबैक करते हुए उठाइए। सारी यादों में बस तू ही मेरा है, जिधर भी तो आपको रिवर्ब और डिले दोनों एक साथ सुनाई दे रहा है। अभी जब आपका रिवर्ब और डिले जब बैलेंस हो जाएगा, उसके बाद आप इसको जो मेन फेडर है, इस मेन फेडर को थोड़ा सा नीचे कीजिए,
सारे यादों में बस तू ही मेरा है, जिधर भी देखूं तू और तेरा चेहरा है। अब तुझे जब भी आप बैलेंस करेंगे, याद रखिए ये मास्टर लेवल कभी भी -10 dB के ऊपर नहीं जाना चाहिए। -10 dB के ऊपर जाएगा तो बाद में आपको मास्टर करने में बहुत दिक्कत आएगी, वो फाइल से मास्टर नहीं बनता। मास्टरिंग करने के लिए आपको हमेशा फाइल, कोई भी फाइल, प्रीमिक्स फाइल जो होगा, वो -10 to -15 dB के अंदर ही रखना पड़ेगा। तो देखते हैं। सारे यादों में बस तू ही मेरा है, जिधर भी देखूं तू और तेरा चेहरा है। अब तुझे देख कर तो सुनने को लगभग ठीक ठाक ही लग रहा है। अभी देखिए आपको -12 dB टेम्परेचर मिल रहा है, फिर भी मैं बोलूँगा और भी थोड़ा सा नीचे कीजिए इसको, ताकि बाकी जब सब ट्रैक को आप छोड़ेंगे उसका भी तो एक प्रेशर है, तो वो भी तो ऊपर हो जाएगा ना प्रेशर सबको मिला के। तो उसके छोड़ पहले काम से शुरू कीजिए। सारे यादों में बस एक बार क्लिक कीजिए यहाँ पे, देखिए -23 के आसपास -20 हो गया, -20। तो जब -20.2 है, इसका मतलब बाकी जब ट्रैक को आप उठाएंगे इसके साथ मिलाएंगे तब वो -10 to -15 dB के अंदर ही रहेगा, साउंड ऐसा करेगा। तो इसलिए बाकी जितने सारे ट्रैक्स हैं सबको मैंने नीचे कर लिया, और उसके साथ साथ इसको जो सोलो करके रखा था सोलो उठा दिया मैंने। अभी रिदिम को वोकल के साथ रिदिम को सुनते रहिए। सारे यादों में बस तू ही मेरा है, जिधर भी देखूं। ठीक है, वोकल के साथ क्या होगा, उसके साथ कुछ अगर पर्कशन है लगा दीजिए। देख कर अब देखिए -12.5 हो गया, ये ज्यादा है। मैं चैन से बातें करने हैं, बाकी सब उठाइए। मुझको तेरे नैन से सुनते रहिए, मुझको तेरे नैन से, तेरे बिन अब जाऊं कहां। सारी यादों में बस तू ही मेरा है, ये पैडिंग था पियानो कॉर्ड ऐसा कुछ, इसके बाद इसके बाजू में लगा रहा हूं मैं। चेहरा है अब तुझे, इसके बाद बास लाइन। सांसें लूं मैं चैन से, बातें करने हैं उम्र भर, मुझको तेरे नैन से। तो आप देखिए ये जो हमारा जो मिक्स उन्हें था, यहाँ से यहाँ से चलता हूँ मैं, प्लेबैक करता हूँ, चलते हैं। यहाँ पे गाना खत्म हो रहा है। सता तेरे म्यूजिक आएगा, म्यूजिक का लेवल भी उतना ही होना चाहिए जिस लेवल पे वोकल है, नहीं तो सुनने को खाली खाली लगेगा। पैडिंग साउंड है, तो देख रहे हो आप सब कुछ मिलने के बाद इसका डीबी कितना दे रहा है, -15.8 dB। इस तरह से आप वोकल को थोड़ा बैलेंस करने का कोशिश करेंगे घर पे, तो एक बार नहीं दो बार नहीं, अगर 100 बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको आदत लग जाएगा किस तरह से आपको वोकल को बैलेंस करना है बाकी ट्रैक्स के साथ, और उसी ट्रैक्स को लेकर बाद में आप रिंग्स बनाने के बाद आप उसको मास्टर भी कर सकते हो। तो दोस्तों मैं सोचता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जैसे कि हमेशा आप लोग हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, तो उसी तरह से हमारा वीडियोस को आप बहुत शेयर कीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर, और उसके साथ साथ हमारा जो वीडियोस हैं, आपको अगर कोई सवाल है, आपका कोई वीडियो लेके कोई अगर कोई कमेंट्स आपका मन में है, कोई सवाल आपका मन में है ज़रूर पोस्ट कीजिएगा, हम लोग कोशिश करेंगे आपका सवालों का सही जवाब देने का। बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस कीजिए, और इसी के साथ आज का ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। नमस्कार।
Smoking, no cooking, no hot pot. I keep fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up, open the crock pot.